Good morning, students. I am your English teacher Subhadra. Today we will read our next point, A Tiger in the Zoo. एक चिड़ियाघर के शेर के बारे में यहाँ पे बताया गया है. यहाँ पे दो तरह के शेरों के बीच में तुलना की गई है. एक ऐसे शेर जो जू में रहते हैं और ऐसे जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, अपने प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं. तो उन दोनों के बिहेवियर में कितना फर्क होता है, इस पोइम के बारे में आज हम पढ़ेंगे. और इस पोइम के जो पॉइंट है वो है लेस्ली नॉरिस. ठीक है, तो बच्चों आइए शुरू करते हैं पोइम. ही स्टॉप्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज गेज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. तो बच्चों सबसे पहले तो स्टॉप्स का मतलब होता है धीरे धीरे चलना, और विविड स्ट्रिप्स का यहाँ पे मतलब होगा गहरी चमकदार धारियां. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो शेर है उसके जो बॉडी पर धारियां धारियां होती हैं. और पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स का मतलब यहाँ पे आएगा जो उसके नरम जो गद्देदार उसके पंजे होते हैं उसके बारे में कहा गया है. एंड क्वाइट रेज मतलब, रेज मीन्स गुस्सा और क्वाइट मतलब गुस्सा होते हुए भी शांत रहना. ठीक है, तो पढ़ते हैं. यहाँ पे बताया गया है कि जो शेर है वो अपनी चमकदार धारियों से बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है और वो धीरे धीरे चल रहा है. कहाँ पे चल रहा है? द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. केज मतलब जो उसका पिंजरा है जहां पे वो बंद है उसमें वो फ्यू स्टेप्स. नेचुरल सी बात है कि अगर वो छोटा सा पिंजरा है तो वो कुछ ही कदम उसमें ले सकता है. और वो धीरे धीरे उसमें चल रहा है और उसकी जो पंजे हैं वो बहुत ही गद्दीदार है, नरम है और वो बहुत ही गुस्से से भरा हुआ है लेकिन शांत है. अब शेर पिंजरे में बंद है, उसको गुस्सा तो बहुत है लेकिन वो पिंजरे में बंद है इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता. इसीलिए पॉइंट यहाँ पे क्वाइट रेज शब्द का यूज कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा जो है वो हम पढ़ेंगे. ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास. तो बच्चों ये जो नेक्स्ट स्टैंजा है ये उस शेर के बारे में बताया गया है, उस टाइगर के बारे में बताया गया है जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, जंगल में रहता है. ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि ही शुड बी लर्किंग. लर्किंग मतलब प्रसन्न, बहुत खुश. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास कि वो शेडो, शेडो मतलब अंधेरा, वो अंधेरे में बहुत यहाँ पे खुश होगा, वो चल रहा होगा. और कहाँ पे चल रहा होगा? स्लाइडिंग मतलब फिसलना, वो लंबी लंबी घास में स्लाइडिंग कर रहा होगा. नियर द वाटर हॉल, वाटर हॉल वो जगह होती है जहां पे जंगल के जो पशु हैं वो पानी पीने आते हैं. ठीक है, तो वहां पे वो उसके वाटर हॉल के नजदीक वो स्लाइडिंग कर रहा होगा लंबी लंबी घास में और बहुत खुश होगा. और ऐसी जगह वाटर हॉल के पास जहां पे प्लम, प्लम मतलब मोटे ताजे डियर्स, डियर्स मतलब हिरन, जहां पे मोटे ताजे हिरन पानी पीने आते हैं वहां पे वो बड़े मजे से वहां पे मस्ती कर रहा होगा. बच्चों दो टाइगर्स के बीच में यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट बताया गया है. एक टाइगर जो है वो केज में है, वो कुछ ही कदम अपने केज में चल सकता है, जबकि जो दूसरा जो टाइगर है वो बड़े मजे से जो उसके मन में आता है वो कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्टैंजा. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेररिजिंग द विलेज. ये भी उसी टाइगर के बारे में बताया गया है जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है. अब यहाँ पे बताया गया है कि वो घरों के आसपास जो जंगल के किनारे पे बने हुए जो घर हैं जहां पे लोग रहते हैं वहां पे वो जोर से स्नार्लिंग का मतलब होता है गुर्राना, वो जोर जोर से गुर्रा रहा होगा. बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, बेयरिंग मतलब दिखाना, वो अपने लंबे लंबे दांत, फैंग्स मतलब दांत, लंबे लंबे दांत जो व्हाइट कलर के हैं उनको दिखा रहा होगा. हिज क्लॉज अपने पंजों को जो मतलब दिखा रहा होगा. टेररिजिंग द विलेज और पूरे गांव को वो अपनी गर्जना से डरा रहा होगा. मतलब वो टाइगर कितना खुश होगा जो अपने मर्जी से रहता है, जो जो घरों के आसपास जोर जोर से गुर्राएगा और अपने 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 तीखे दांत और अपने क्लॉज को दिखा रहा होगा.
अब नेक्स्ट जो स्टैंजा है वो फिर से वही केज वाला टाइगर है, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार। अब वहां पे बताया गया है कि वो कॉन्क्रीट सेल मतलब कॉन्क्रीट मतलब सीमेंट का जो बना हुआ जो उसका सेल है पिंजरा है वो उसके पीछे लॉक है, उसके पीछे बंद है, और उसकी जो शक्ति है उसका जो बल है वो पूरी तरह से उन बार से उन पिंजरे की जो सलाखें हैं उनके पीछे बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजडम। स्टॉकिंग द लेंथ मतलब धीरे धीरे चुपचाप चल रहा है वो उस केज में, वो उस केज के अंदर ही दो चार कदम है वही चल सकता है, और वो इग्नोर कर रहा है विजिटर, वहां पे आने वाले जो विजिटर्स हैं जो वहां पे आने जू में देखने जो शेर को देखने के लिए आते हैं उनको वो इग्नोर कर रहा है। मतलब वो शेर उस चीज का आदि हो चुका है कि उसे देखने के लिए लोग आते हैं, इसलिए वो अब उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब वो जो केज में जो शेर है उसने लास्ट वॉइस जो लास्ट आवाज सुनी थी वो रात को थी जब कार जो है वो गश्त पेट्रोलिंग मतलब गश्त लगाना जो कार है चिड़ियाघर की जो वहां का जो मैनेजमेंट होता है उन्होंने गश्त के लिए कार्स रखी होती हैं, तो जो लोग जो उस शेर ने आवाज लास्ट नाइट सुनी थी वो सुनी थी उन गश्त लगाती हुई कारों की। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार। अब वो पिंजरे के अंदर है वो कुछ नहीं कर सकता है, वो सिर्फ क्या कर रहा है वो अपनी ब्रिलियंट ब्रिलियंट मतलब चमकती हुई आंखों से सिर्फ तारों को जो चमकते हुए तारे हैं उन्हीं को घूरता जा रहा है। मतलब यहाँ पे उस शेर की मजबूरी बताई गई है कि वो कितना मजबूर है कि वो अपने केज के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही अपनी शक्ति दिखा सकता है, वो सिर्फ क्या करता है वो सिर्फ एक टक लगाकर चमकते हुए तारों को देखता रहता है। तो बच्चों ये थी हमारी पोइम अ टाइगर इन द जू, आपने इसके क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं। थैंक यू।